परम सत्कारयोग सात संगत जी, रसना पवित्र करिए त्याखिए तानसी सतगुरु राम सिंह जी। तानसी रि सतगुरु जगजीत सिंह जी। तानसी रि सतगुरु उदय सिंह जी। सात संगत जी, मलेरकोटले दे साके विच शहीद बिशन सिंह दा इतिहास असी अज एक छोटी जी फिल्म राही जानांगे। आओ देखदे हां। यह गल उस समय की है जदों भारत ते अंग्रेजा का राज सी, अज तो तकरीबन 150 साल पहला। बिशन सिंह अपने माता पिता नाल 17 जनवरी 1872 नू मलेरकोटले गया। उसके माता का नाम खेम कौर अते पिता का नाम सरदार महा सिंह सी। मलेरकोटले का डिप्टी कमिश्नर जिसका नाम कावन सी, उसने बिना मुकदमा चलाए नामधारी सिखां नूं तोपां नाल उड़ाउण दा हुक्म दे दिता। जिवें ही तोपां चलियां चारे पासे हाहाकार मच गई, डर दा माहौल बन गया। पर बिशन सिंह बहुत दलेर सी, उसने सिखां नूं तोपां नाल उड़दे तां देखिया पर उह डरिया नहीं। उत्थे ही कावन दी मेम भी खड़ी सी, उसनू बिशन सिंह दा भोला ते मासूम चेहरा देख के तां तरस ही आ गया। उसने अपने पति नू बेनती कीती कि इस छोटे मासूम बच्चे नू छड़ दिता जावे, इसका तां कोई कसूर ही नहीं। मेम दी एह गल सुन के कावन ने हुक्म कीता कि जे बिशन सिंह ए आख दवे कि अपने गुरु राम सिंह दा सिख नहीं तां इसनू छड़ दिता जावेगा। बिशन सिंह बहुत ही निडरबाल सी, उसने कहा, मैं जो भी आखांगा कावन दे कन विच आखांगा। कावन जिवें ही बिशन सिंह दी गल सुनन लई चुकिया, बिशन सिंह ने कावन दी दाढ़ी नूं घुट के फड़ लिया ते बोलिया, ओए बिल्लिया, फिर तू कहेगा कि मैं सतगुरु राम सिंह जी दा सिख नहीं। मैं हमेशा सतगुरु जी दा सिख सी अते हमेशा ही रहांगा। बिशन सिंह ने कावन नूं इन्ने जोर नाल खिंचिया कि कावन हालों बेहाल हो गया। उसने मदद लई पुकार कीती पर बिशन सिंह ने दाड़ी ना छड़ी। नाल खड़े सिपाहियां ने बिशन सिंह नू छड़ाउण दी कोशिश कीती पर छड़ा ना सके। आखिर कावन ने उसनू मारन दा हुक्म दे दिता। सिपाहियां ने तलवार नाल उसदे टोटे टोटे कर दिते ते बिशन सिंह इउं शहीद हो गया।